हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं अपना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं, पहला ए मैट्रिक्स एंड दूसरा बी मैट्रिक्स। पहले का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, दूसरे का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो इनका जो ऑर्डर आएगा वो भी एम क्रॉस एन आएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं, पहले का ऑर्डर एम क्रॉस एन, दूसरे का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनका जो ऑर्डर आएगा वो एम क्रॉस एन आएगा। और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर ये ऑर्डर डिफरेंट है तब ना तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और ना ही इनको ऐड कर पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम से मैट्रिक्स ए और बी। ए का ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर है 2x3, तो दोनों के जो ऑर्डर हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम ए प्लस बी को ऐड नहीं कर सकते, नो एडिशन। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो a माइनस बी को भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके ऑर्डर डिफरेंट हैं तो ना तो हम उन्हें ऐड कर पाएंगे और ना ही उनको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है a का 2x2, बी का भी 2x2, तो यहाँ पर हम इनको सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। अब ऐड करने का ढंग क्या है, जैसे ए है तो मैंने पहले ए को लिखा, प्लस बी है तो मैंने बी को लिख लिया। अब इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं या एंट्रीज हैं उनको हम ऐड करेंगे। जैसे कि पहला वन है, वन को हमने फोर के साथ, जीरो को फाइव के साथ, फिर यहां पर जीरो को सेवन के साथ और वन को सिक्स के साथ हमने ऐड कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 5, 5, 7 एंड 7। तो सिंपल है कि एडिशन करने के लिए हमें जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। अब हम सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं जैसे 7 और 1, तो इनको माइनस करेंगे, 6 और 5, 3 एंड 2, 0 एंड 1, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, 1, 1 एंड -1। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारे पास इसमें सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडिशन की। सबसे पहले अगर बात करें तो कॉमिटेटिव। कॉमिटेटिव में क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है उसमें हम बी को प्लस करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव के अंदर हम अगर a प्लस बी करते हैं और फिर इनका जो टोटल आएगा उसमें c को ऐड करें तो ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि पहले आपको a प्लस बी करना है फिर c में प्लस करना है, तो जो रिज़ल्ट आएगा तो राइट हैंड साइड में पहले आपको b प्लस सी करना है और फिर उसमें a प्लस करना है, तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो सेम आएंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसमें हम अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसके बाद वो मैट्रिक्स ए ही आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स में अगर आप ए को ऐड करते हैं तब भी वो हमारा ए मैट्रिक्स ही आएगा। फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि अगर मैं मैट्रिक्स ए में इसका जो एडिटिव है उसको प्लस करता हूँ
मतलब ए में मैं माइनस ए को प्लस करता हूँ तो नल मैट्रिक्स आएगा, या फिर माइनस ए में ए को प्लस करते हैं तब भी नल मैट्रिक्स आएगा। तो ये एडिशन की हमारी सम प्रॉपर्टी थी इन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और मुझे इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -2 -3 and -4। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें आपने ध्यान रखना है, जैसे एडिशन में क्या था कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसे हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3a, तो क्या आएगा? तो 3 को हम क्या करेंगे, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1। 3 को फर्स्ट हम 1 से करेंगे तो 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमने क्या किया कि 3 को पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय स्केलर एनी नंबर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या है कि सिंपली जैसे कि मान लो आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं a2 2a + 3b + c, तो हम इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अपनी तरफ से, a1 0 0 1, b2 1 3 1 एंड c 0 1 1 0। तो सबसे पहले तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे इन तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 और 6 8 + 0 8, 0 और 3 3 और 1 4, 0 9 9 और 1 10, 2 और 3 5 so 5। तो इस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 2 से ज़्यादा जितने मर्जी मैट्रिक्स हो हमारे पास, हम उनको इकट्ठा ऐड भी कर सकते हैं, बीच में सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो हमने इनको a11 a12 a21 a22, और सेकंड जो बी मैट्रिक्स है हमने उसको बी की फॉर्म में ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, मतलब इसका जो रो है और इसका जो ये कॉलम है ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, तभी आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो C11 है वो क्या होगा, जो न्यू मैट्रिक्स हमारा ए भी होगा उसके अंदर जो C11 है वो क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम क्या करेंगे कि जो इसकी फर्स्ट रो है उसको इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, जैसे कि मैंने A11 को B11 के साथ किया, प्लस फिर मैंने A12 को B21 के साथ किया, तो A12 को हम B21 के साथ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि जो पहली रो थी उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, A11 को B12 के साथ, प्लस अब A12 को
B22 के साथ करेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया कि जो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया। अब 2-1 के लिए, 2-1 मतलब ये सेकंड रो है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो A21 को हमने B11 के साथ किया, फिर A22 को हमने B21 के साथ किया। अब नेक्स्ट जो C22 के लिए हम C22 पर आ गए हैं, तो सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो A21 B12 A22 B22। तो यहां पर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ किया। दोबारा से फिर देखें, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। तो यहां पर देखें, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बीच में प्लस, जैसे 1 को 5 से किया, प्लस 2 को 3 से किया। अब मतलब पहले आपने फर्स्ट रो को ही लेकर चलना है, तो फर्स्ट रो को लेकर चले हम फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो को लेकर चलेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 को 4 से किया, 2 को 7 से। नेक्स्ट, अब हम जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को 5 से, 4 को 3 से। नेक्स्ट, अब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ चलेंगे, 3 को 4 से और 4 को 7 से। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 + 6, 15 + 12, 4 + 14, 12 + 28। तो इनको हमने ऐड किया, 11, 18, 27 and 40। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ में कुछ नहीं होता। बस आपने ध्यान में रखना है कि आपको जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह से जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक हमने समझा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 3.2 में। इफ ए इक्वल टू 3 - 2 - 4 - 2, सो फाइंड के, सो दैट ए स्केयर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए स्केयर निकालेंगे। ए स्केयर मीन्स a को आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने a को 2 टाइम्स लिख लिया यहाँ पर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फिर नेक्स्ट जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 12 - 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -8 + 4। तो इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 1 - 2 - 4 - 4 आ गया। अब जो आपको इक्वेशन दी हुई थी ए स्केयर, तो ए स्केयर की जगह आप 1 - 2 - 4 - 4 लिखेंगे,
इक्वल टू के, ए की जगह 3 - 2 - 4 - 2 - 2, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। राइट हैंड साइड में यहाँ पर के स्केलर है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, 3K - 2K and 4K - 2K। यहाँ 2 स्केलर है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे 3K - 2 - 2K - 0, तो 2K रहेगा, नीचे 4K - 0 - 4K - 2K - 2, और लेफ्ट हैंड साइड में है 1 - 2 - 4 - 4। अब ये जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको हम इक्वल कर देंगे, जैसे कि 3K - 2 = 1। सो 3K - 2 उधर जाकर प्लस हो गया 3, सो K = 3/3, 1। इसी तरह से नेक्स्ट जो है -2K को -2K इक्वल रखेंगे तो सोल्व कर कर K की वैल्यू 1 आएगी। 4K को 4K इक्वल करेंगे तो यहाँ से भी K की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट -2K - 2 को -4K इक्वल करेंगे तो यहाँ पर भी K की वैल्यू सोल्व करके 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन भी की और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो कंप्लीट जो आज आपको समझाया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपका वो सब कवर हो गया कि जो हमारा आई होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे कि a² - 3 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि 3 के साथ आई लगा लेंगे। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आपको मैट्रिक्स में कुछ सॉल्व करना है और खाली आपके पास कोई नंबर है 3, तो आपने उसके साथ आई लगा लेना है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि कहीं भी अगर आपको आई स्केयर दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आई स्केयर का मतलब i×i, तो वो मल्टीप्लाई करने पर भी आपका, मतलब स्केयर करने पर भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर i की 3 लेंगे तब भी वो i के इक्वल आएगा, i की 4 भी i के इक्वल आएगा, i की 5 भी i के इक्वल आएगा। तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितनी मर्जी पावर हो वो सॉल्व करने के बाद आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और मैथ प्रैक्टिस मांगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इन्जॉय करें। जय माता दी।